हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई आप लोगों की चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल करें। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोग पास, आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग पास, 7x-15y=2 और x+2y=3। ये हमारे पास क्वेश्चंस है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं और ये हमको समीकरण नंबर 2 हो जाता है। तो यहाँ समीकरण 2 को लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लिख दीजिए समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को क्या लिख पाएंगे दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोग एक्स इक्वल टू लिखें तो एक्स इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, यहाँ से 3 होगा और 2y को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2y हो जाएगा दोस्तों। अर्थात ये अब हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, रखने पर जब हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं समीकरण 1 क्या है, 7 है। x क्या जगह पर क्या है दोस्तों, x की जगह पर क्या रखेंगे, 3-2y, तो यहां से हो जाएगा 3-2y और -15y = क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को बढ़िया से, कोई समस्या? फिर यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, 7-3 जा आपका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 7-2 जा क्या हो जाएगा, 14y हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 15y हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे, यहां से 14y और 15y दोनों माइनस माइनस है, तो यहां से 21 और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 29y = क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 29 को क्या करते हैं, 29y को राइट हैंड ले जाते हैं, यानी दाएं पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं और 2 को लेफ्ट हैंड ले आते हैं। तो यहां से यह हो जाएगा, 21 2 को इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा और 29 को इधर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 29y हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां देखेंगे कि 21-2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा, इक्वल टू 29y हो जाएगा, y = क्या आ जाएगा, 19 क्या हो जाएगा दोस्तों, 19/29। ये हमारा y की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों हम लोग इसमें y की वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इस y की वैल्यू को हम कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान यहां लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर दोस्तों, तो आइए देखते हैं, 3 में रख देते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा और वाई की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, 19/29 आई है। क्या आई है, 19/29 आई है। अब यहां से देखेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे और हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां से हो जाएगा 3, माइनस का क्या हो जाएगा, 19 × 38 हो जाएगा, 38/ क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब यहां से एक्स इक्वल टू करेंगे तो 29 × 3 करेंगे, कितना गुड़े, 29 × 3 करेंगे तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 2 × 8 = 87 हो जाएगा, 87 में से आपका 38 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 17 में से 8 जाएगा आपका, 9 बचेगा, यहां से फिर कितना बचेगा, यहां से आपका 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो आपका हो जाएगा, यानी यहां से हम लोग लिख पाएंगे 29 × 3 जा क्या हो जाएगा, 29 का 3 में गुणा करेंगे, 29 × 3 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, माइनस का 38 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 87 में से 38 जाएगा तो आपका 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ये आपका x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। आइए एक बार इसको पुनः से बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यहां से ये दोनों हमारे पास समीकरण दिया गया था, समीकरण 2 को हमने क्या किया, x की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, यानी x की वैल्यू निकाल लिया, x का मान समीकरण 1 में रख दिया और इसी x का मान, x के मान को क्या किया, समीकरण 1 में रख दिया। उसको रखने के बाद जब रख दिया तो यहां से क्या हो गया, 7 ( 3-2y ) (-2
टू हो गया। अब इस सेवन का क्या किया, इसमें पूरे में गुणा कर दिया तो 21 हो गया, माइनस 14 हो गया, माइनस 15 वाई इक्वल टू 2 हो गया। अब माइनस 14 और माइनस 15 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, माइनस का 29 वाई हो गया इक्वल टू 2 हो गया। यहां से क्या किया, 29 वाई को इधर पक्षांतर कर दिया, 2 को इधर पक्षांतर किया तो 21 में से 2 गया तो कितना आ गया, 19 आ गया और इक्वल टू 29 हो गया। y इक्वल टू क्या हो गया, 19 अपॉन 29 हो गया। अब यहां से क्या किया, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हमने y का मान समीकरण 3 में रखा तो यहां से x इक्वल टू क्या हो गया, 3 माइनस 2 और y की जगह पर हमने y का मान रख दिया 19/29। फिर यहां से x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू आपका 3 और यहां से क्या हो गया, 19 दूना 38 हो गया, 38/29 हो गया। अब 29 का गुणा हमने 3 में किया यानी 29 एलसीएम ले लिया, 29/3 हो गया 87 माइनस का 38/29 हो गया। तो यहाँ 87 में से 38 गया दोस्तों तो 49/29 हो गया, x की वैल्यू आपकी हो गई। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इनको हम लोग दोस्तों अगर प्रतिस्थापन विधि का कंडीशन यहाँ ना दिया होता तो हम लोग बहुत ही सरल तरीके से इसको बहुत ही आसान तरीके से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर देख लीजिए, अगर यहाँ प्रतिस्थापन विधि को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए दोस्तों तो यहाँ क्या होगा, y से y कट जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, x इक्वल टू 9 मिल गया। और यहाँ पर चाहे जिसमें x इक्वल टू वैल्यू 9 रख देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको, यानी 5 मिल जाएगा, यानी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों, 5 मिल जाएगी। तो इतनी आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। बट यहाँ पर हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, हम लोग को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है दोस्तों। कैसे सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर कंडीशन है हम लोग पास तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आइए देखते हैं यहां से, तो यानी समीकरण लिख देते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण 2 से लिख रहे हैं तो y x बराबर क्या होगा, y पक्षांतर होगा तो y प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, y प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब यहीं से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आइए देखते हैं x की जगह पर क्या हो जाएगा, y प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस क्या है दोस्तों, y है इक्वल टू यहां से 14 हो जाएगा। तो y और y कितना हो गया दोस्तों, y और y आपका 2y हो गया। और यहां से आप क्या करेंगे, जब 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका 14 है और 14 को इधर को इधर लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहां से 2y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 10 और यहां से 2 1 2 और 2 5 10 कट जाएगा, यानी y इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। y इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब लिखें y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये हम समीकरण नंबर 3 बना देते हैं और लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही हम दोस्तों y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x इक्वल टू y बराबर क्या है, 5 आया है हम लोगों को, अभी हम लोगों ने निकाला y इक्वल टू क्या निकाले हैं, 5 निकाले हैं और प्लस का क्या हो गया, 4 हो गया। तो x इक्वल टू 5 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा दोस्तों x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से।